या थाली के भी हम पलट देते हैं। दोस्तों मछली पकड़ने के लिए हम नदी में पहुंच गए हैं। तो ये हम गमला लाए हैं, उसके बाद ये थाली लाए हैं, इस सूती कपड़ा लाए हैं, इसमें गेहूं के आटा है। तो इस सूती कपड़ा के सबसे पहले ये थाली में हम करेंगे, जो इस सूती कपड़ा के बांध देंगे। सबसे पहले ये थाली जो है इसको हम बिछा देते हैं। बिछाने के बाद क्या होगा, इस सूती कपड़ा के हम अथी कर दिए हैं, थाली में बिछा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलट दिए हैं तो इस तरह से हम सूती कपड़ा के थाली में बांध देंगे। सूती कपड़ा के हम थाली बांध देते हैं, बांध दिए हैं। ये गेहूं के आटा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। एक थाली के हम सूती कपड़ा लगा करके बांध दिए हैं, तो चलिए दूसरा थाली के हम फिर से बांध देते हैं। इस तरह से हम ये थाली में अथी कर दिए हैं, बिछा दिए हैं, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ऐसे हम बांध देते हैं। बांध करके इसको फिर हम सीधा कर देते हैं। तो चलिए फिर से हम तीसरा थाली के बांध देते हैं दोस्तों। तो बांध करके हम रेडी कर लिए हैं। तो चलिए मछली फंसने के लिए, मछली पकड़ने के लिए सबसे पहले हम गेहूं के आटा लेकर के एक कटा हुआ है सूती कपड़ा इसमें हम डाल देते हैं। सभी थाली में चल गया है, इसमें भी डाल देते हैं और इसमें भी डाल देते हैं। डाल दिए हैं तो चलिए इसमें हम रख लेते हैं। तो चलिए हम नदी में थाली लगाएंगे, ना मछली फंस जाएगा। तो चलिए चलते हैं पानी में लगाने के लिए। दोस्तों पानी के नजदीक आ गए हैं, तो चलिए नीचे में हम गमला रख देते हैं, उसके बाद ये थाली लेकर के हम पानी में चलते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे। उसके बाद हम थाली लेकर के चलते हैं, पानी में लगा देते हैं। तो आराम से हम थाली के लगा दिए हैं। चलिए फिर से हम दूसरा थाली लगा देते हैं। दोस्तों तीनों थाली के हम आराम से पानी में लगा दिए हैं। जितना पोठिया मछली रहेगा के आटा खाने आएगा तो उसमें फंस जाएगा। तो चलिए हम निकल जाते हैं तब तक। दोस्तों मछली पकड़ने के लिए थाली हम पानी में लगाए हैं, तो चलिए हम चलते हैं थाली में, देखते हैं मछली फंसा है कि ना। अगर मछली फंसा होगा तो आज हम पोठिया मछली की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों लगता है जो थाली में बहुत सारा मछली फंस गया है, तो चलिए इसको पहले हम खोल लेते हैं। तो चलिए इसको हम गमला में थोड़ा पानी रख लिए हैं और इसको थाली के हम पलट करके खोलेंगे। जो दोस्तों सारा मछली एकदम दब रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये पोठा मछली है, अभी छोटा छोटा मछली है। आ चलिए दूसरा थाली के भी हम पलट देते हैं।
दोस्तों थाली में सूती कपड़ा लगा करके मछली पकड़ने वाला वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज पोठे मछली के हम रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने किचन में पोठिया मछली लेकर के। दोस्तों पोठिया मछली हम नदी से पकड़ करके ले आए हैं, किचन में पहुंच गए हैं, तो चलिए नीचे रखते हैं। दोस्तों पोठिया मछली के एक बोरा पर हम उधिल देते हैं, आज इतना घास खैला रहता है सभी को हम साफ कर लेंगे, उसके बाद हम मैजेंगे। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम इसको जितना घास खैले रहता है सभी को हम पेट फोड़ लेते हैं। दोस्तों पोठिया मछली के सभी को हम घास खैला जितना रहता है सभी हम साफ कर लिए हैं। तो चलिए इसको बोरा पर हम पलट लेते हैं। तो चलिए उसके बाद हम ये पोठिया के बढ़िया से साफ कर लेते हैं मैज करके। दोस्तों मछली के बढ़िया से पानी से मैज यूज करके पानी से बढ़िया से धो करके हम ली आए हैं। तो ये पोठिया मछली में कौन सारा मसाला हम डालेंगे वो मसाला ले लेते हैं। दोस्तों मछली के लिए हम मसाला ले लिए हैं, ये पीला सरसों पेस्ट है, ये लहसुन पेस्ट है, उसके बाद ये धनिया पाउडर है, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर है। चलिए सबसे पहले हम छोटी मछली में ये हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद ये लहसुन पेस्ट हम डाल देते हैं, ये दोनों डाल दिए हैं। तो चलिए बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये छोटी मछली के वीडियो देखने में आप लोग को कैसा लगेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटी मछली बनाने के लिए हम चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए इस पर हम तसला चढ़ा देते हैं। दोस्तों बर्तन गर्म हो गया है, तो चलिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, तो चलिए हम पीला सरसों डाल देते हैं। दोस्तों पीला सरसों फूट गया है। दोस्तों मछली के बढ़िया से दाग देते हैं, नजर गुजा सारा कट जाएगा। मछली पकड़ने के टाइम में बहुत सारा आदमी रहता है, सभी नजर गुजा दूर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम मछली डाल देते हैं। दोस्तों मछली डाल दिए हैं, तो चलिए इसको हम झमोर देते हैं। ये झमोरुआ मछली है, गांव के तलीका से झमोरुआ मछली बनाते हैं। ये झमोरुआ मछली वाला वीडियो देखने में कैसा लगेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इधर मछली के कड़ाई में लग गया है, तो चलिए मछली में डालने के लिए हम मसाला घोल लेते हैं पानी डाल करके। दोस्तों मछली के लिए हम बढ़िया से मसाला घोल लिए हैं, तो चलिए हम मछली में डाल देते हैं। दोस्तों मछली में मसाला डाल दिए हैं, तो चलिए इसको पहले हम मसाला को बढ़िया से घुमा देंगे क्योंकि सभी मछली में मसाला बराबर हो जाएगा। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। दोस्तों नमक डाले हैं और पानी डाले हैं, तो इसको बढ़िया से हम ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ना, सभी में मसाला और नमक बराबर हो जाएगा। तो चलिए घुमा दिए हैं, तो रहा देते हैं खदकने के लिए।
दोस्तों छोटी मछली बन करके तैयारी होगी या तो स्वाद के लिए चलिए हम धनिया पत्ता छीट देते हैं। धनिया पत्ता छीटने से ज्यादा ही स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए मछली तैयारी होगी या तो चलिए हम उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों छोटी मछली बन करके तैयारी होगी या है तो छोटी मछली खाने के लिए हम चावल ले लिए हैं। तो चलिए ये चावल में हम छोटी मछली डाल लेते हैं और छोटी मछली देखते हैं खा करके आज स्वाद कैसा बना है। दोस्तों चावल और छोटी मछली हम डाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं खा करके छोटी मछली के स्वाद कैसा बना है। दोस्तों छोटी मछली तो बहुत जबरदस्त लगता है खाने में। छोटी मछली और चावल का वीडियो देखने में कैसा लगेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।